हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। ये आपकी फिगर दिया हुआ है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। आप देखें, यहाँ पर रेक्टेंगल्स एक दिया हुआ है और एक रेक्टेंगल यहाँ पर स्मॉल रेक्टेंगल दिया गया है। तो आपका आपको क्या करना है, अलग अलग एरिया आपको फाइंड करने हैं, एक पहले इसका फिर इसका। तो आप इस फिगर को ए मान सकते हैं, इस फिगर को और इसको बी मान सकते हैं। ये फिगर आपका वन हो जाएगा ए और ये फिगर बी। तो जब आप एरिया इसका फाइंड करेंगे तो इस तरीके से पहले एक्सरसाइज नोट करेंगे यहाँ पर और फिगर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। बस आपको यहाँ पर लिखना है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये देखिए, एक रेक्टेंगल है ए, इसको मैंने ए माना है, इसको बी माना है। तो रेक्टेंगल ए का पहले एरिया निकालेंगे। आपको मालूम इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। अब क्या करेंगे, देखिए लेंथ कितनी दी हुई है यहाँ पर, लेंथ कितनी दी हुई है 18 और ब्रेथ कितनी दी हुई है 4। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 4 72। अब आपका ये मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपकी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए की आ गई। अब आपको ये छोटा सा रेक्टेंगल दिया गया है, इसका निकालना है। इसको मैंने ए माना था और इसको बी। तो अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, अब बी का एरिया निकालना है। फार्मूला आपको मालूम है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो आप इसको क्या कर देंगे, लेंथ आपकी देखिए कितनी दी हुई है 5, यहाँ नीचे दिया हुआ 5। अब आपको ब्रीथ निकालनी है, ब्रीथ ये दी नहीं गई है यहाँ पर, आपकी ब्रीथ आपकी दी हुई है यहाँ पर, देखिए 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2 मीटर। तो ब्रीथ आपकी कितनी है 2। तो आंसर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 10, तो 10 मीटर स्क्वायर। अब दोनों की आपके वो निकल आया है, इसका बड़े वाले का रेक्टेंगल का निकला है 72 मीटर स्क्वायर और छोटे वाले रेक्टेंगल का निकला है 10 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, एरिया ऑफ द फिगर, अब इनको ऐड करना है। तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द फिगर। बस आपको सिंपली ऐड करना है। तो ये 72 मीटर स्क्वायर प्लस 10 मीटर स्क्वायर कितना हो गया, 82 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया, 82 मीटर स्क्वायर। क्लियरली समझ में आ गया ये प्रोसेस। आपको इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन बी करना है और सी करना है। ये सिंपली आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। एक ये रेक्टेंगल हो गया आपका 12 जिसकी लेंथ है और ब्रीथ जिसकी 2 मीटर है, और एक ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ आपकी ये 4 ये और 2 ये, तो 6 हो गया। लेंथ कितनी हो गई 6 एंड ब्रीथ कितनी है 2। तो आपका ये लेंथ 6 है और ब्रीथ 2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 6 2 12 हो गया और 12 2 24, दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 36। और ये भी आपका इसी तरीके से, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और इसकी ब्रीथ भी देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक आया है तो ये 12 हो गया, जबकि ये यहाँ तक ही आपका एक रेक्टेंगल हुआ है। अगर यहाँ तक इसको करेंगे तो ये 2 मीटर का है, तो 12 में 2 माइनस कर देंगे तो ये भी 10 बचेगा, यानी कि इसकी लेंथ भी 10 है और ब्रीथ भी 10 है। तो जब इसको आप निकालेंगे तो ये 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ 10, यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रीथ कितना होगा 10 इंटू 10 इस तरीके से। और ये छोटा वाला जो है इसका देखिए लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ इंटू ब्रीथ, दोनों आपको निकालने हैं अलग अलग। तो इसकी लेंथ आपकी 3 है एंड ब्रीथ इसकी 2 है, बस दोनों को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे। सिंपली बी सी और ई आपके सेम प्रोसेस से है, लेंथ इसकी 12 है तो लेंथ इसकी 12 मल्टीप्लाई आपकी ब्रीथ इसकी कितनी है 8।
एरिया निकालने के लिए आपसे यहाँ तक 8 है, लेकिन आपको यहाँ से 8 नहीं, यहाँ से यहाँ तक की निकालनी है। तो यहाँ पर 8 और वो 1 और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। तो ब्रीथ इसकी कितनी हो गई 9। क्लियर, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, ये यहाँ से वैल्यू दी गई है 8 और ये 1 सेंटीमीटर का, 1 मीटर का जो है उसको भी हमको ऐड करना है क्योंकि ये आपको पूरा रेक्टेंगल लेना है। तो लेंथ इसकी 12 और ब्रीथ इसकी कितनी हो जाएगी 9। तो ब्रीथ आप इसको 9 लिखेंगे ना कि 8। और दूसरा रेक्टेंगल है आपका, उसको कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ करेंगे आप। और दूसरे रेक्टेंगल में देखिए लेंथ इसकी 3 है मीटर प्लस ब्रीथ 1 है, बस दोनों का निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर, डी नंबर वाला थोड़ा सा आपके लिए टिप कर लूँगा ज़्यादा। इसमें आपको क्या करना है, ये आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए तो ये एक रेक्टेंगल आपका ये हो गया और एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देनी है, एक रेक्टेंगल आपका इधर हो गया एंड ये जो मिडिल में छोटा सा रेक्टेंगल है ये आपका एक और हो गया। तो इस वाले को क्वेश्चन को हम आपको एक कंप्लीट करा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर डी। ये आपके सिंपल एक जैसे हैं, जैसे ए नंबर है वैसे ही बी नंबर है आपका, सी नंबर है और ई नंबर आपके, ये सेम है आपके। और ये डी नंबर और एफ नंबर, इसमें एक हम आपको एग्जांपल इसी तरीके से आपको ये सारे भी काटने हैं। अब जैसे आपको या तो एक ये आप ऐसे कर लेंगे, एक ये रेक्टेंगल आपका हो गया ये बड़ा वाला रेक्टेंगल और एक ये छोटा रेक्टेंगल और एक ये 3 रेक्टेंगल हो गए, तीनों का एरिया निकालना है उसके बाद तीनों को ऐड कर देना है। सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, ये डायग्राम है आपका, इसको डायग्राम को आप यहाँ पर बनाएंगे। ये आपका डी नंबर का क्वेश्चन है, इसको एच शेप में डायग्राम आपको बनाना है। ये देखिए ऐसे आपका ये डायग्राम हो गया है। अब आपको सिर्फ आपकी इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, आपको इसमें भी फाइंड करना है ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया आपका, ये आपकी पूरी लेंथ है आपकी ये 20 सेंटीमीटर हो गई, ये अंदर वाली आपकी 8 सेंटीमीटर है और ये जो इसके बीच की ये है ये आपकी 4 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया, आपको सारी शेप आपकी आ गई। अब आपको ये वाला ऐसे ही, ये वाला रेक्टेंगल एक अलग करना है और एक ये अलग करना है, तो ये 3 अलग आपके हो जाएंगे सबसे। अब आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, आपको ये लिख लेना एरिया ऑफ ए नंबर मान लीजिए, इसको बी और इसको सी। तो आप क्या करेंगे, पहले ए का एरिया निकालेंगे, बी का निकालेंगे, फिर सी का निकाल देंगे। तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, ए का कैसे आएगा, लेंथ इनटू ब्रीथ। अब देखिए लेंथ कितनी है इसकी, ये कितनी लेंथ है इसकी 20 और ब्रीथ कितनी है यहां पर 4। एट्टी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही दूसरे की निकाल लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, बी में भी सेम यही प्रोसेस है, लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ इसकी भी जब इसकी 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई ये देखिए यहाँ पर भी 4 है तो 4, तो आंसर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकालने में हम स्क्वायर करते हैं। क्लियर, अब हमें तीसरे वाले का इसका एरिया निकालना है। क्लियर, इसकी देखिए लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर और इसकी ब्रीथ कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, बस आपको ये याद रखना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी लेंथ इनटू ब्रीथ। अब लेंथ कितनी दी हुई है, अभी बताया मैंने 8 एंड ब्रीथ कितनी दी हुई है 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीनों को ऐड कर देना है, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है एरिया ऑफ द फिगर, जो फिगर दिया उसका एरिया निकालना है ऑफ द
फिगर, ये आपको बस ऐड करना है 80 सेंटीमीटर आएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको ऐड कर दीजिए, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या हो गया, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। आंसर चेक करें, क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट कि कैसे करना है। आपको बस इसको अलग अलग डिवाइड कर देना है कि ये कैसा है। इसका आंसर हो गया 192 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका ये देखिए, मैंने इसको अलग अलग कर दिया है। इस तरीके से आप लोग लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा तो एक रेक्टेंगल आपका ये हो गया। ये बस याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक 24 है तो इसको 8 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा। ये आप बस इसको एक एरिया व ए, इसको बी कर दीजिएगा और इसको सी कर दीजिएगा। अब ए का एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रीथ, 24 में आप 8 प्लस कर देंगे, 32 मल्टीप्लाई और ये देखिए यहाँ पर ब्रीथ इसकी 8 है, मल्टीप्लाई इसको कर देंगे और दूसरा जो रेक्टेंगल है आपका ये स्मॉल है, ये 24 है, 24 में 8 माइनस कर देंगे तो इधर का आ जाएगा। ट्वेंटी फोर में 8 माइनस किया तो 16 मल्टीप्लाई 8, क्लियर। इसको ऐड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट आपका ये भी सेम हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ 16 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है तो इसका भी जब इसको आप माइनस करेंगे 24 से 8 माइनस कर देंगे तो 16 आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 8। आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट आप इसको ऐड कर देंगे, आपका इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ये भी इसी तरीके से आपके हैं, आप बस इनको बस फिगर अलग अलग कर देने, एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लीजिए एक इधर, तो एक रेक्टेंगल ये हो गया और एक ये, एक ये ऐसे इधर पे एक रेक्टेंगल ये हो गया आपका। ये आपका एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल आपका ये हो गया, ये दोनों सेम हैं और ये वाले सेम हैं, ये 4 रेक्टेंगल हैं। आप बस ये याद रखिएगा, रेक्टेंगल नंबर ए बी सी एंड डी, आप नंबर डाल देंगे तो आपको ये याद रहेगा कौन सा है। अब यहाँ पर डाल दीजिए ए बी एंड सी, यहाँ पर भी ऐसे ही देखिए, इसमें तो दो ही हैं, आप बस ऐसे कर दीजिए, ये आपका ए हो गया रेक्टेंगल, ए बी हो गया। बस इधर कर दीजिए आप इसको, एक इधर कर दीजिए, ये आपका ए है, ये बी है एंड ये सी है, ये दोनों सेम है आपके और ये बड़ा है आपका, 15 है, 15 में 5 और ऐड कर देंगे तो ये आपका 20 मल्टीप्लाई 10 है ये आपका पूरा, तो आधा ये 5 हो जाएगा, एक आपका 20 और नेक्स्ट ये जो छोटा वाला है ये आपका 5 मल्टीप्लाई 5। और जो क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना।